हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है, क्योंकि एक कहानी भेजी है जापान से हमारे एक सब्सक्राइबर ने। देखिए, कहानी जापान की है, लेकिन उसको मैं स्वरूप दूंगा भारत के परिवेश का। भारत के परिवेश और भारत के किरदारों के हिसाब से इस कहानी को मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। ये कहानी एक महिला की है जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है। अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद वो महिला एक छोटे से कस्बे या कहें गांव में जाकर शिफ्ट हो जाती है। छोटे से कस्बे में रहना शुरू कर देती है क्योंकि काफ़ी कम कीमत पे वहां घर मिल जाता है। वहीं उसी कस्बे में उसे एक जॉब भी मिल जाती है। परेशानी की बात यह है कि उस महिला का एक बच्चा भी है जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल के बीच है। डिवोर्स होने के बाद वो महिला अकेली हो गई है और अब अपने परिवार के साथ नहीं रहती, तो वो छोटे से कस्बे में रह रही है और उनका बच्चा और वो दोनों उस मकान में अकेले रहते हैं। अब उस महिला की लाइफ कुछ इस तरीके से हो गई है कि वो सुबह ऑफिस जाती हैं और शाम को घर आती हैं और अपना घर का काम करती हैं। वहीं बच्चे का भी अभी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया है क्योंकि वो साल के बीच में से बड़े शहर से छोटे शहर आया है, उस वजह से उसका एडमिशन अभी प्रोसेस में है, अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। यही वजह है कि वो महिला अपने बच्चे को घर के अंदर लॉक करती है और फिर ऑफिस जाती है, फिर ऑफिस से घर आती है। तो ये प्रोसेस रोज होता था, जिसके कारण बच्चा भी थोड़ा सा परेशान रहने लगा, क्योंकि छोटा बच्चा 3 से 4 साल का बच्चा आप उसको लॉक करके जा रहे हैं। हमारे देश में तो नॉर्मली ये सब नहीं होता क्योंकि दादा दादी या कोई ना कोई बच्चे की टेक केयर कर लेता है, लेकिन जापान जैसे देशों में अकेलापन एक बहुत आम बात है। यही वजह है कि जापान में इस तरीके की चीज़ें नॉर्मल है, तो बच्चे को घर पर लॉक करके वो महिला अपने काम पर जाती थी। लगातार ये सब चीज़ें हुई तो बच्चा भी काफ़ी परेशान हो गया था और उस बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ दिन भर घर में रहते रहते। तो उसकी मम्मी ने कभी समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ परेशान तो करती है, तो अपने बच्चे को एक पार्क में ले गई खेलने के लिए। पार्क में अच्छे से झूले झूल रहा था, खेल रहा था और काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, और वहीं इसकी माँ आराम से बैठी थी और अपने बच्चे को खेलते हुए देख रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई सामान्य दिन हो। बच्चा और उसकी माँ घर आ गए और खाना वाना खाया और सो गए, एक बिल्कुल साधारण दिन, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन छुट्टी थी और बच्चा बोला कि मम्मी, मुझे फिर से पार्क में जाना है। उसकी माँ ने कहा, हाँ ठीक है, पार्क पास ही है तो तुम खुद भी जा सकते हो, मतलब घर से बिल्कुल सटा हुआ ही वो पार्क हुआ करता था। तो उसकी माँ ने बोला कि तुम खुद भी जा सकते हो और जाके खेलो और आ जाना फिर। बच्चा बोला, ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर साथ में मेरे मुन्नी भी जाएगी। ये बात सुन के इसकी माँ हैरान हो गई, बोली, कौन मुन्नी? तो बच्चा मुस्कराया, बोला, मम्मी वो लड़की जिसके साथ मैं कल खेल रहा था, वो मुन्नी। उसकी माँ परेशान हो गई, मुन्नी किसके साथ खेल रहा था? तुम तो अकेले थे, किसके साथ खेल रहे थे? बोला, आपको दिख नहीं रहा, ये तो मेरे साथ में खड़ी है। उसकी मम्मी घबरा गई कि साथ में खड़ी है, जबकि वहाँ कोई नहीं था। उस बच्चे को एक लड़की वहाँ नज़र आ रही थी, हालांकि नाम कुछ और है लड़की का। कहानी को भारतीय परिवेश देने के लिए मैंने नाम मुन्नी रखा है। तो उसकी माँ घबरा गई, कौन है मुन्नी, कहाँ है मुन्नी? बोले, ये तो खड़ी है मेरे पास में, आपको दिखाई नहीं दे रही? तो ये सब हो गया, उसकी माँ घबरा गई, बहुत बड़े पसीनों पसीनों हो गई कि ये क्या बोल रहा है, कैसी पते कर रहा है। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई, उसकी माँ ने उसको धमका दिया कि नहीं नहीं नहीं, कोई पार्क नहीं जाएगा, तुम यहीं रहो, जब हम फ्री होंगे तब चलेंगे, और ये वो ऐसे ऐसे करके पार्क टाल दी। उस बच्चा भी बोला कि क्या हो गया, कल तो हम गए थे खेलने, आज ऐसा क्या हो गया, आप जाने क्यों नहीं दे रही, मुन्नी भी तो साथ है, हम खेलेंगे करेंगे। लेकिन उसकी माँ ने उसको जाने नहीं दिया। ये सब सुनने के बाद उस बच्चे की माँ काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी हो गई और वो अब अच्छे से लॉक करके जाती थी और बार बार अपने घर पे कॉल करके पूछती थी कि भाई आप बच्चा घर पे है या नहीं है, और ये सब चलता रहा। वीकेंड आया, माँ ने अपने बच्चे के साथ काफ़ी इन्जॉय किया, खेला कूदा, खाना वाना खिलाया और वो दोनों सो गए। बच्चे का रूम अलग था और माँ का रूम अलग था। कुछ घंटे सोने के बाद माँ को अजीब सी बेचैनी हुई और एकदम से उछक गई, जैसे उसको कुछ एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो भाग कर अपने बेटे के कमरे में गई और देखा बेटा वहाँ नहीं था। वो बहुत घबरा गई, उसने इधर उधर ढूंढा, सब जगह ढूंढा, बेटा घर में कहीं नहीं मिला। फिर वो बाहर के पास वाले पार्क में गई तो वहाँ पर उसका बेटा झूला झूलता हुआ नज़र आया। माँ भागती हुई वहाँ गई और अपने बेटे को गले लगा लिया और रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बेटा घबरा गया, पूछा कि मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? माँ ने कुछ नहीं कहा, क्या कहे अपने बच्चे को, क्या बताया कि क्या हो रहा है? उसने कहा, बच्चे ने कहा कि मुन्नी भी तो है, बाकी मेरे दोस्त भी तो यहाँ पे हैं। उसकी माँ और ज़्यादा घबरा गई, मुन्नी यहाँ है और बाकी दोस्त भी पार्क में? पार्क में रात को कोई नहीं था, पार्क
बिल्कुल खाली था, जैसे कोई सन्नाटा। वो माँ पूरी तरह से घबरा गई, अपने बच्चे को अपने घर ले आई और उसको धमका दिया कि अब तुमने बाहर गए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बच्चा भी काफ़ी घबरा गया और सोचने लगा कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने दे रही। ये सुन के भी बच्चे का मन भी थोड़ा अजीब सा होने लगा और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। इन था माँ शॉपिंग करने किसी काम से बाहर गई थी और लॉक घर का गलती से खुला रह गया था। तो जब वो घर आई तो उसने देखा उसका बेटा घर में नहीं है। उसने सब जगह ढूंढा, पूरे घर में बच्चा नहीं मिला। फिर वो पार्क में ढूंढी, पार्क में भी बच्चा नहीं मिला। पुलिस रिपोर्ट करने के बाद घर के पलंग के नीचे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैं मुन्नी के घर खेलने जा रहा हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊँगा। इस कहानी को अब 20 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, वो बच्चा आज तक अपने घर नहीं लौटा है। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे उस पार्क के आसपास जितने भी घर थे वो खाली हो गए, सिवाय उस माँ के घर के। उस माँ को आज भी उम्मीद है कि उसका बच्चा शायद वापस आ जाए। आपके घर के पास भी कोई इस तरीके का पार्क है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। जल्द मिलता हूँ नई स्टोरी के साथ। आई होप आपको स्टोरी पसंद होगी। जय हिंद और डरना मना है।